नमस्कार, मैं हूँ मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश में नए नए वायरस की धमक से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जहाँ मौसम में बदलाव के साथ कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, किसी को बुखार सता रहा है तो किसी को सर्दी जुखाम ने जकड़ लिया है और कई लोगों में तो कोरोना वायरस जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, यानी बीमारी का ट्रिपल अटैक। जी हाँ, देश में अब H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के म्यूटेंट H3N2 वायरस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। देश में जनवरी से मार्च तक का वक्त फ्लू सीजन माना जाता है। इस दौरान लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बार का फ्लू सीजन काफी अलग है। अब ये ना सिर्फ मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ी है, बल्कि उनकी खांसी भी हफ्तों ठीक नहीं हो रही। बड़ी संख्या में मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराने की नौबत आ रही है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का मानना है कि इसकी वजह H3N2 वायरस हो सकता है, जो भारत में तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम जैसे कुछ राज्यों में इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। दिल्ली सरकार ने इस वायरस से बचने के लिए कोविड नियमों का पालन करने की सलाह दी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में H3N2 वायरस के मरीज लगातार आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स उनके लिए अलग से वार्ड बनवा रहे हैं। इसके साथ ही कोविड की तरह मास्क पहनने की भी सलाह दी जा रही है और ड्रॉपलेट से बचने की भी सलाह दी जा रही है। इसी तरह कानपुर में भी इन्फ्लुएंजा का कहर जारी है। वहां के सबसे बड़े अस्पताल हैलेट में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। मरीजों की जांच की जा रही है, जांच के बाद उनको उचित उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। पूरे लखनऊ में हॉस्पिटल्स की कल की संख्या है, KGMC में 30-35 हैं, बलरामपुर में 20-25 हैं, सिविल और लोक बंधु में 15-15 मरीज हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो इस वक्त दोहरी मार से जूझ रहा है। यहाँ H3N2 और कोरोना ने एक साथ हाहाकार मचा रखा है। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। लोग फिर से मास्क पहनने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों से विशेष सावधानी बरतने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की है। साल में दो बार जो है इस तरीके का इन्फ्लुएंजा पूरी दुनिया में जो है बढ़ता है। इस बार क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड के दौरान बड़ी इलनेस रही और आज भी वो जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आ पाए, तो उनको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा आ रही है। हम लोग इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और होपफुली ये ट्रेंड मार्च खत्म होते होते कम हो जाता है, तो हम आशा कर रहे हैं कि जो है ये कम हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में अभी बहुत ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में इसके लोग नहीं आ रहे हैं। मोटे तौर पर हमने पता किया तो LNJP में 20-22 मामले रोज के आ रहे हैं। दूसरे राजीव गांधी हॉस्पिटल में पता किया तो वहाँ पर 8 से 10 मामले इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं। बट जनरली अगर हम पब्लिक से सुन रहे हैं तो खांसी जुकाम की शिकायत जो है और एक लंबी खांसी की शिकायत जो है वो चल रही है इस इन्फ्लुएंजा के अंदर। लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस 4 टाइप A, B, C और D का होता है। इनमें A और B टाइप से मौसमी फ्लू फैलता है। हालांकि इसमें इन्फ्लुएंजा ए टाइप को महामारी का कारण माना जाता है। इन्फ्लुएंजा टाइप ए के 2 सब टाइप होते हैं। एक होता है H3N2 और दूसरा H1N1। वही इन्फ्लुएंजा टाइप बी के सब टाइप नहीं होते हैं, लेकिन इसके लाइनेज हो सकते हैं। टाइप सी को बेहद हल्का माना जाता है और ये खतरनाक भी नहीं होता है, जबकि टाइप डी मवेशियों में फैलता है। ICMR के मुताबिक कुछ महीनों में कोविड के मामले कम हुए हैं, लेकिन H3N2 के मामले में बढ़ोतरी हुई है। लक्षण महसूस होते ही थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोएं।
हाथ मिलाने से करें परहेज। छींकते वक्त मुंह नाक ढकें। पब्लिक प्लेस में थूकने से बचें। नाक और आंख छूने से करें परहेज। एंटीबायोटिक्स दवा लेने से पहले डॉक्टर के लिए सलाह। बुखार और सिर दर्द में सिर्फ पैरासिटामोल दवा लें। दूसरों के साथ एक साथ खाना खाने से बचें। H3N2 इन्फ्लुएंजा के तेजी से फैलने के बारे में चेतावनी देते हुए पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोगों को फेस मास्क का उपयोग करने और लगातार हाथ सैनिटाइज करने की जरूरत है, कि सभी को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि मास्क का उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये छोटी सी बूंद का संक्रमण है और खांसी से फैलता है। कभी कभी बच्चे स्कूलों में संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं और इसे उन बुजुर्गों को दे देते हैं जो अधिक गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं। इसलिए हमें मास्क पहनना चाहिए, नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी चाहिए। H3N2 क्यों खतरनाक? तेजी से फैलने वाला वायरस, बुजुर्गों और बच्चों पर खतरा ज्यादा। कोरोना जैसी सावधानी जरूरी। संक्रमण के बाद रहे आइसोलेट। ज्यादा समय तक शरीर में रहता है वायरस। डॉक्टरों के मुताबिक अगर आपको भी बुखार आ रहा है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, खांसी और गले में खरखराहट के अलावा नाक बहने की आदि दिक्कत है, तो बहुत संभव है कि आप इस वायरस की चपेट में हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह के लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं जांच के दौरान मरीजों में ज्यादातर H3N2 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो रही है। H3N2 वायरस से संक्रमित होने से कैसे बचे? प्लस ऑक्सीमीटर की मदद से लगातार ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95% से कम है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90% से कम है तब इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ सकती है। खुद दवाई लेना खतरनाक हो सकता है। अगर बच्चों और बूढ़ों को बुखार और कफ जैसी समस्या होती है तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क कराना चाहिए। दरअसल देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों को खास तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इन राज्यों में कोरोना टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर नजर रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन में भी 5 गुना तेजी जाने के लिए कहा है। सरकार ने कोविड-19 की स्थिति की जांच करने और बीमारी के त्वरित और प्रभावी प्रबंधन करने के लिए कहा है। H3N2 वायरस के लक्षण, गले में खराश, गले में दर्द। संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में आती है दिक्कत। लंबे वक्त तक रहती है खांसी। 5-7 दिन तक रह सकता है बुखार। 3 हफ्ते से ज्यादा रहती है खांसी। ठंड लगना, बहती नाक, छींक आना। खाना निगलने में आती है दिक्कत। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से करें संपर्क। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ने की आशंका है। ऐसे में इन 6 राज्यों की सरकार को पत्र लिखा है और कोरोना को लेकर मरीजों को टेस्ट, ट्रैक, इलाज और वैक्सीनेशन में 5 गुना तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि इन राज्यों में कोरोना केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट प्राइम टीवी। जिस तरह से वायरस देश में अपना पांव पसार रहा है, जरूरी है एहतियात बरतना। अभी के लिए हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार।